पहली खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फिर निशाना साधा है। मनोज तिवारी का कहना था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 1256 करोड़ के अस्थाई अस्पताल बनाने का टेंडर दिया, जबकि इतनी धनराशि में कई अस्पताल बनाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सक्षम ये मामला विचाराधीन है और उन्होंने अपेक्षा जताई कि जल्द ही इसमें न्याय होगा। तिवारी जी संकल्प रथ यात्रा को लेकर दिल्ली के कोने कोने में जाएंगे, जोरदार जयकारा लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने चेहरा तो बना लिया है ईमानदार का, लेकिन उसके अंदर इतना भ्रष्ट चेहरा है जिसका गवाही ये सारे केसेस दे रहे हैं। टेम्पररी अस्पताल बनाने के लिए टेंडर दे दिया भाई, अस्पताल टेम्पररी थोड़ी होता, अस्पताल तो परमानेंट होना चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा था कि हम कागज में बना देंगे अस्पताल और किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल गया तो मैंने उस 1256 करोड़ में तो 12 अस्पताल बन सकता है, परमानेंट बन सकता है। और वो भी जो टेंडर भी दिया वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से 18% ज़्यादा दिया, और जिस अधिकारी ने दिया वो उस समय दिया जिस समय अगले आधे घंटे में वो रिटायर होने वाला था, बिना किसी प्रक्रिया के 3 टेंडर एक ही कंपनी को दे दिया।